भारतीय इतिहास के ऐसे खूंखार हथियार जिसके सामने मृत्यु को भी झुकना पड़ा। नंबर वन, उरुमी। ये एक पतली लचीली चाबुक जैसी ब्लेड वाली तलवार है जो एक साथ 15 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारने में सक्षम है। प्राचीन भारत में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इसको चलाने के लिए मार्शल आर्ट का निपुण ज्ञानी होना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से ये तलवार उसके मालिक को भी चीर सकती है। नंबर टू, दंडपट। छत्रपति शिवाजी महाराज इस हथियार को चलाने में माहिर थे। इसके धारदार नोकीले पट्टे के सामने जो भी सैनिक आता उसके सिर दर्द से अलग हो जाते। इस हथियार को सेफ्ट हैंड कवर और मजबूती पकड़ के लिए खास डिजाइन किया गया है। छत्रपति के इस दंडपट को दुनिया का सबसे खूंखार माना जाता है। नंबर थ्री, चक्रम। ये एक बेहद धारदार हथियार है। इसे लड़ाई में फोर्स के साथ फेंका जाता है। इसके बनावट से ये एक साधारण हथियार दिखता है, लेकिन ये हथियार श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से कम नहीं है। इसको चलाने वाला पलक झपकते ही किसी भी इंसान की गर्दन को उड़ा सकता है और सामने से किसी भी इंसान को चीरने की ताकत रखता है। नंबर फोर, कटार। पहली नजर में ये एक सिंगल ब्लेड वाला हथियार नजर आता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के समय इसे दबाते ही इसके दो और ब्लेड खुल जाते हैं।